अस्सलामुअलैकुम। अभी दो दिन पहले मुंबई और बंगलोर में कुछ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। आइए यहाँ से मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास उलाजा फर्म। उसके पहले मेरे दोस्त तनवीर गाजी का एक शेर याद आ रहा है कि सभी फिरका परस्तों को वो अब माबूद लगता है, सभी सभी फिरका परस्तों को वो अब माबूद लगता है। हमारी आँख का सुरमा जिसे बारूद लगता है, हमारी हमारी आँख का सुरमा जिसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है, इसे जो भी पहनता है, ये एक सरकारी चश्मा है, इसे जो भी पहनता है। तो एक सादा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है, तो एक सादा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाएं तो क्या होगा, रिवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, रिवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। यही लाखों करोड़ों पंच वक्तों के नमाजी की, यही लाखों करोड़ों पंच वक्तों के नमाजी की अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। मैं शेर हाजिर करता हूँ, ना तो आसाराम जैसा। अभी पीछे वाले लोग बेदार नहीं हुए हैं। ना तो आसाराम जैसा, ना तो आसाराम जैसा, ना तो आसाराम जैसा। साधु बन के निकलेंगे, ना तो आसाराम जैसा, साधु बन के निकलेंगे, ना तो शेर सिंह जैसा, डाकू बन के निकलेंगे, ना तो शेर सिंह जैसा, डाकू बन के निकलेंगे। अरे होश मेरा हो योगी, होश मेरा हो साची, होश मेरा हो साध्वी, होश मेरा हो योगी, होश मेरा हो योगी, वरना हाथ में लेकर तलवार, वरना हाथ में लेकर तलवार। मुल्क के मेरे बच्चे टीपू बन के निकलेंगे, मुल्क के बच्चे टीपू बन के निकलेंगे, ना तो आसाराम जैसा, साधु बन के निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छे दिनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में डाला गया है। दोस्तों मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा शायर तो नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म ज़रूर दिया है। आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बतलाएगा? क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? अरे क्या यही है अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इखलाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? अरे क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें,
क्या यही है 6 दिन कि साध्वी साक्षी योगी तो गड़िया और कमलेश तिवारी और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? क्या यही है 6 दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे साहब जी, अगर यही 6 दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए, क्योंकि हम आपके 6 दिनों से ऊब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमान, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये 6 दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये 6 दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। दोस्तों, पिछले दिनों बिहार में एक चुनाव हुआ, उस चुनाव को अपने जहन में रखें और ये मेरे 4 मिसरे। झूठे वादे बहुत किए तूने, 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 फेंकना अब भी तेरा बंद नहीं, फेंकना अब भी तेरा बंद नहीं, कह दिया ये बिहार वालों ने, कह दिया ये बिहार वालों ने, ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं, ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। दोस्तों, आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। रोज में तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, हमने भी हाँ तुमने भी हाँ सबने भी हाँ हमने भी गुलशन को लहू से सींचा है, हमने भी हाँ तुमने भी हाँ सबने भी हाँ हमने भी गुलशन को लहू से सींचा है, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं। दोस्तों, आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। कभी ईरान वाले कभी ईराक वाले हैं, कभी ईरान वाले हैं, कभी ईराक वाले हैं, कभी ईरान वाले हैं, कभी ईराक वाले हैं,
अफगान या फिर पाक वाले हैं निशाने पर कभी अफगान या फिर पाक वाले हैं। फकत इस बात से अमरीका हमसे खार खाता है, फकत इस बात से अमरीका हमसे खार खाता है। नहीं है कोलगेट वाले हम इस वाक वाले हैं, नहीं है मुकर्मी सामईन। सामईन और सदर मोहतरम शोराए कराम के शुक्रिया के साथ आज के मुशायरे का बाकायदा ऐलान किया जाता है।